ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह के कुछ सहयोगियों के परिसरों सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और भी तेज हो गई है। यह भी संयोग है कि यह छापेमारी तब हुई जब संजय सिंह पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ मुंबई की यात्रा पर थे। आम आदमी पार्टी के नेता शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मंगलवार को केजरीवाल ने पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए देशव्यापी दौरे के तहत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की थी। आज आप नेता का उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने का कार्यक्रम है। ईडी के छापे की खबर आते ही आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि उनके दो सहयोगी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के परिसरों पर संघीय एजेंसी छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं ईडी को बताना चाहता हूं कि मैं न झुकूंगा न रुकूंगा। हम मोदी सरकार के इस हथकड़े के सामने कोई भी समझौता नहीं करेंगे।